जय माता दी। मित्रों मित्रों, आज हम एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि कीरिंग रेमेडी है, चाबी का गुच्छा। जब हम कीरिंग को देखते हैं तो कीरिंग में मतलब की भी होती है, की प्लस कीरिंग, मतलब की के साथ जो रिंग वो जो गुच्छा होता है उसको हम उसको समझते हैं। तो ये कीरिंग होता है, ये होता क्या है, ये राहु केतु है। इसको हमने राहु केतु से कैसे जोड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो की होती है ना, चाबी जो होती है वो एक्टिव करती है किसी को, वहां से डिजायर है, वहां से एक्टिवेशन होता है। जबकि जो कीरिंग, जो पीछे का जो गुच्छा होता है वो क्या होता है, लटका रहता है, वो डायरेक्शन लेस होता है। उसको जो डायरेक्शन दिखाई जाती है वो जो की है उसके द्वारा उसको डायरेक्शन रहती है, उसके द्वारा ही उसमें डिजायर है, अर्थात उसी के द्वारा वहां पर एक्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये यहां पर हमें कीरिंग जो है वो राहु केतु से संबंधित हमें बताता है। इसलिए आप सभी जानते हैं हमें हमेशा अपनी राहु जो हमारे डिजायर्स होती हैं उसके साथ उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, केतु होता है। और आप जानते भी हैं कि कीरिंग में अगर की नहीं है तो ये जो कीरिंग अकेला अपने आप में क्या होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है, ये डिटैच रहता है। अब इसको, इसका कोई अटैचमेंट नहीं है किसी चीज के साथ। इसका अटैचमेंट कब होता है किसी के साथ, जब उसमें की आती है तो राहु आ जाता है, वो अटैच हो जाता है उसके साथ ही ना, वो जगह जगह मतलब जिस भी चीज की वो की है उससे फिर वो जुड़ जाता है। बाइक की है तो बाइक से जुड़ जाएगा, कार की है कार से जुड़ जाएगा, या आपके किसी भी ऑफिस के लॉक की है तो उससे वो जुड़ जाता है। तो मेनली हमें यहां पर ये पता लग रहा है। साथ ही हमें यहां से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। इसमें आपने किसी व्यक्ति का को देखा कि उसके पास खाली की है, अर्थात उसमें उसने ना कीरिंग नहीं डाला हुआ है, पीछे से उसने कोई गुच्छा उसमें नहीं है, तो हमें वहां पर पता क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति का जो सिर्फ ना राहु एक्टिवेशन में दिख रहा है, उसके राहु ना कंट्रोल नहीं है। क्योंकि कंट्रोल होता तो कहीं ना कहीं केतु द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और केतु का पार्ट वहां पर मिसिंग हमें दिख रहा है। तो अर्थात व्यक्ति राहु प्रभावित है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति में डिजायर बहुत ज्यादा है और ये व्यक्ति भाग दौड़ रहा, भाग बहुत ज्यादा रहा है, संतोष नहीं है और बहुत ज्यादा भाग दौड़ में ये व्यक्ति लगा हुआ है, सुकून नहीं है अब इस व्यक्ति की लाइफ में, डिजायर बहुत ज्यादा, इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा स्वार्थ कह लीजिए, लालच कह लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये है ना, हर चीज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपको शांत करता है, रोकता है, बंधन से मुक्त करता है। और आप कह सकते हो ये व्यक्ति बंधन में बंधता ही जा रहा है, लगातार मूवमेंट की ओर है, लगातार चल रहा है, गतिशील है। तो वो स्थिति वहां पर बताती है कहीं ना कहीं राहु जो डिजायर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलत जगह पर हमें ना ले जाएं, ज्यादा लालच बुरी बला हो जाती है। तो उसको कंट्रोल में करके करना केतु का कमाल है। तो आप किसी के भी हाथ में अगर आप कीरिंग देखते हो, चाबी देखते हो, तो अकेली चाबी आप समझ जाना, कीरिंग के साथ है तब भी समझ लेना। और अभी हम इसमें और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं इस टॉपिक को। आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली के अंतर्गत ना बहुत कुंडलियों में आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, सूर्य केतु, चंद्र केतु, मंगल केतु, बुध केतु, गुरु केतु, शुक्र केतु, शनि केतु, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ना आप एक कीरिंग विद की जैसे वो होना चाहिए उसमें, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए रेमेडी। और ये आप खुद भी बना सकते हैं, भी आप कमेंट सेक्शन में, मैं तो कुछ बताऊंगा आपको इनके बारे में, आप बाकी इस कॉम्बिनेशन में ना अपना दिमाग लगाकर आप खुद कमेंट करना कि हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें और उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सूर्य केतु के बारे में। हमें पता है केतु क्या है, चाबी का गुच्छा है। अब उस गुच्छे में भी क्या होता है ना, कुछ लगा रहता है, किसी में आपने देखा होगा कोई भगवान की तस्वीर लगी रहती है, किसी में कोई डॉल, छोटी सी डॉल लगी रहती है, गुड़िया लगी रहती है छोटी सी, किसी में जूते चप्पल लटके रहते हैं, ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो तरह तरह के उसमें आपको देखने को मिलते हैं, किसी में कोई फूल होगा, फ्लावर होगा वो देखने को मिलेगा, किसी में कोई फ्रूट फल वगैरह देखने को मिलेगा। तो तरह तरह के हमने कीरिंग हमने देखे हैं, ठीक है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अभी हम सूर्य केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु हमें कीरिंग बताता है
और सूर्य के अंदर का हम सूर्य की वस्तु उसमें उस केयरिंग में हम डाल देंगे, क्योंकि मैंने उसको यूज करना है। सूर्य के किस में क्या होगा, आप देखो कि कोई ऐसा केयरिंग जिसमें सूर्य क्या है, राजा है, तो कितनी बार क्या होता है ना, कोई राजा की, पुराने राजा महाराजा की कोई फोटो बनी रहती है, और उसमें क्या होता है ना, वो सर पर ताज पहने व्यक्ति इस तरीके से करके, तो ताज वाली, कोई सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब वो भी राजा के तरीके से वहां पर, तो कोई सिंहासन की फोटो, तो कुछ ऐसा कोई केयरिंग जिसमें सिंहासन बना हुआ हो, ठीक है, कोई राजा बना हुआ हो, वो कह सकते हैं। सूर्य भी कह सकते हैं अपने आप में, कोई सूर्य की होता है ना, सूर्य बना होता है जिसमें किरणें निकली रहती हैं, उस तरीके का कोई सूर्य का आते हैं, इस तरीके के मेटल में भी आते हैं, कोई इस तरीके का केयरिंग, या सूर्यवंशी भगवान श्री राम, भगवान श्री राम ने सूर्य को स्थापित किया है, तो भगवान श्री राम की कोई फोटो वगैरह हो, इस तरीके से हमने सूर्य से संबंधित केयरिंग हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हमने, तो ये क्या हुआ, सूर्य से संबंधित केयरिंग बन गया, सूर्य केतु कॉम्बिनेशन बना लिया आपने। अब चूंकि सूर्य केतु कॉम्बिनेशन जहां पर होगा, अगर आपको कुंडली में उस भाव से संबंधित पीड़ा परेशानी आपको हो रही होगी, उस कॉम्बिनेशन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका आपको रेमेडी करना है, उसको कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि वो ऊर्जा वाला जो वो आपने कॉम्बिनेशन तैयार किया है, वो आप किसी, अगर वो कहीं 9th हाउस में बना हुआ है, तो आप किसी 9th में हो, 2nd में हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, उसको मंदिर में दे सकते हैं आप कहीं, ठीक है। 9th में पिता को दे सकते हैं, गुरु को दे सकते हैं, अपने वो कर सकते हैं। 4th में है तो मदर को दे सकते हैं, 11th में है अपने मित्र को दे सकते हैं, इस तरीके से आप उस एनर्जी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो है अब आपके पास, लेकिन अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, वहां पर वो प्रॉब्लम कर रही थी, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रेमेडी के अंतर्गत ना हम एनर्जी के फॉर्म को अपने उस फॉर्म को स्टैब्लिश कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं तो एनर्जी कहीं दूसरे तरीके से हमें नेगेटिव रूप से हमें अगर वो प्रभावित कर रही थी, कष्ट दे रही थी, तो हम उसको स्टैब्लिश कर देते हैं उसकी उस एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस एनर्जी से, मतलब इसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आप उस ग्रह से संबंधित, जैसे सूर्य केतु है तो रविवार के दिन ऐसा भी कर सकते हैं, संडे के दिन हो गया, फिर उसके बाद क्या करा आपने, सूर्य केतु भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर वहां पर ऐसा भी आप दे सकते हैं इस तरीके से कर। तो कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसको आप जैसे भी जब जिस भी घर में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है उतनी बार भी आप दे सकते हैं, कि मान लो चतुर्थ भाव में बना है तो 4 बार दे सकते हैं, ऐसा करके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भी सूर्य केतु बढ़ाया, और आप देख रहे हैं अगर कॉम्बिनेशन केतु के साथ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो आप देखिएगा आपका हो सकता है कि आपको केयरिंग भी उसी तरीके का समझ में आता हो, केयरिंग तो हर व्यक्ति यूज करता है, तो यूज देखना आपको, क्योंकि केतु के साथ उस जो केतु आपका केयरिंग है, और केतु के साथ जो प्लेनेट जुड़ा हुआ है ना, आपको उस तरीके का केयरिंग बहुत पसंद आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। ये हमने सूर्य केतु, चंद्र केतु के केस में क्या हो सकता है, चंद्र देखो माता है, तो कोई या तो मदर से रिलेटेड, कि आजकल तो क्या होता है ना, कि आजकल तो फोटोग्राफ फोटो क्लिक करवा कर अपना ही कुछ अपनी फोटो वगैरह लगवा कर अपने रिलेटिव्स की, तो अपनी मदर की, तो हो सकता है आपने अपनी मदर की फोटो लगवा कर एक केयरिंग तैयार कर लियो, ये हो सकता है, आजकल तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। या फिर चंद्र के केस में चंद्र माता है, तो माता में माता जगत जननी देवी माँ, माँ दुर्गा, माँ भवानी, हो सकता है आपने कोई देवी माँ का कोई केयरिंग वो हो, तो इसको आप यूज भी कर सकते हैं, किसी को देखकर जहां पर वो जिस भी भाव में बन रहा है, उस भाव में कोई रिश्ता है, कोई जंगा है, तो उस स्थान पर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर चंद्र केतु 4th हाउस में बना हुआ है, तो आप अपने घर के लॉक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10th हाउस में बना है तो प्रोफेशनली अगर आप कहीं पे कुछ यूज कर रहे हो वहां पर यूज कर सकते हैं। 4th हाउस में व्हीकल भी है, व्हीकल में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मदर को भी दे सकते हैं, जैसे कि 7th हाउस में अपने स्पाउस को दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं। तो चंद्र के किस्म में हो सकता है कोई चंद्रमा बना हुआ कोई केयरिंग हो, आप वो चंद्र केतु बन सकता है, तो वो हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं, या कोई ऐसा आपने देखा होगा ना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसके अंदर ना पानी होता है, चंद्रमा पानी का कारक है तो पानी होता है, तो पानी से संबंधित, पानी के अंतर्गत हो सकता है कोई ऐसा चित्र हो जिसमें माता का हो, तो कोई ऐसा हो, तो वो प्योर चंद्र केतु वहां पर बन सकता है। ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य हुआ, चंद्र, मंगल केतु।
मंगल केतु में, मंगल क्या है, मंगल आपका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इस तरीके से मार्शल एक्टिविटी में क्या होता है आपका, जो कि पुलिस है, आर्मी है, हो सकता है कि कोई है ना आर्मी मैन का आते हैं किरिंग, तो वो हो सकता है। अभी जैसे इसमें या कोई भी जैसे सुदर्शन चक्र है, मतलब कुछ चक्र वाले होते हैं, अभी जैसे कुछ कैप्टन अमेरिका वाले इस तरीके के भी आते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं उसमें मंगल केतु में। तलवार के हो सकते हैं, हनुमान जी की गदा वाले हो सकते हैं, मंगल है हनुमान जी वाले हो सकते हैं, कोई हनुमान जी से संबंधित केरिंग हो तो ये आप केरिंग यूज कर सकते हैं, और उस देवी देवता को वहां पर भी चढ़ा सकते हैं। मंगल के केस में छोटे भाई को भी दे सकते हैं, सूर्य के केस में पिता को दे सकते हैं, चंद्र के केस में माता को दे सकते हैं, आप इन ग्रहों से संबंधित रिश्तों को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं वहां पर यूज हो जाएगी, स्टेब्लिश हो जाएगी, वो आपको दिक्कत देना करना बंद कर देगी, और इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। मंगल के केस में बंदूक वाले हो गए, चाकू वाले हो गए, मतलब किस तरीके के हथियार वाले, वो केरिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, केरिंग की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम यहां पर यूज कर सकते हैं मंगल, हनुमान जी की गदा वाले भी आते हैं, तो वो मंगल केतु कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा मंगल केतु का कॉम्बिनेशन नजर दोष भी बनाता है, और ये ना नेगेटिविटी व्यक्ति पर हावी हो जाती है इस व्यक्ति को, और कोई भी प्लान पहले से किसी को बता देता है ना, वो बनते हुए अंत में बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति मंगल केतु में होती है, नजर दोष है, नेगेटिविटी इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। तो उसमें हनुमान जी की गदा वाला अगर आप केरिंग हनुमान जी को आप चढ़ाते हो, खासकर 6 मंगलवार अगर आप चढ़ा देते हो उनको, तो आपके लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या कोई गुप्त शत्रु, मंगल के केस में, मंगल केतु के केस में गुप्त शत्रु व्यक्ति के होते हैं, गुप्त बाधाएं, ये सारी दिक्कतों की समस्या में वहां पर निवारण, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है वहां पर अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स को भी बता रहा है, कि उस प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स है, डिटैचमेंट है, अलगाव है, अकेलापन है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की स्थिति आपको शो होती है, ठीक है। मंगल केतु के बाद हम आगे बढ़े बुध केतु, बुध केतु, बुध क्या खिलौने बनाते हैं, खिलौने हो सकते हैं मरकरी की किस्म में, तो कोई खिलौने वाला कोई केरिंग हो, कोई गेम्स वाला, किसी भी तरीके का गेम वाला हो। मरकरी की किस्म में क्या होता है ना, आपकी आपके आपने देखा होगा एक नोटबुक आती है, छोटी सी नोटबुक आती है केरिंग में, वो प्योर बुध केतु वहां पे बन सकता है, और उसमें केतु क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो कोई स्पिरिचुअल बुध केतु मतलब छोटी सी बुक पे कोई ओम का चित्र बनाओ, तो ये क्या होगा, ये प्योर मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन बन गया। बुध के केस में छोटी कन्या भी आती है, छोटे बच्चे आते हैं, तो कोई छोटी डोल्स वाला इस तरीके, छोटे बेबी वाला इस तरीके का भी अगर कोई केयरिंग होगा तो वो आपका मरकरी केतु बनाएगा, ठीक है। मरकरी प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स से रिलेटेड कितने हैं, छोटा सा फ्लावर, मतलब कोई प्लांट्स है जैसे फ्लावर ना भी हो, क्योंकि मरकरी ना बिना फ्लावर वाले प्लांट्स बनाता है, तो उस तरीके का कोई प्लांट्स वाला एक आर्टिफिशियल वहां पर मतलब वो हो, तो वो केयरिंग में हो, तो वो भी आपका इसमें काम करेगा मरकरी केतु, ठीक है। या कोई आपका स्टेशनरी से रिलेटेड सामान, आपने देखा होगा ना एक रबड़ आती है, ठीक है, इरेजर वगैरह, तो उसमें या कोई शार्पनर, शार्पनर वाला होता है, पेन वाला होता है, किरिंग आते हैं इस तरीके के, पेन, पेंसिल या शार्पनर, शार्पनर वाले तो बहुत आते हैं, तो वे सब ना आपके उसमें यूज हो जाएंगे मरकरी केतु में, ठीक है, ये बनता है। अब हम आगे बढ़े बुध के बाद बृहस्पति, गुरु केतु, तो गुरु केतु में तो या तो क्या हो कि कोई अच्छा मंगल केतु में याद रखना छोटे भाई की कोई फोटो वाला भी हो सकता है, बुध केतु में बहन बुआ बेटी की कोई फोटो वाला भी हो सकता है केरिंग, कितनी बार होता है ना अपनी बहन की फोटो लगा के, बुआ की फोटो लगाकर, बेटी की फोटो लगाकर कोई केरिंग लगा रखा है, क्योंकि आजकल ये फोटो वाले बनते हैं, तो इस तरीके के भी हो सकते हैं, इन सब केस में आप देख सकते हैं, ठीक है। गुरु केतु में अपने गुरु की फोटो लगाकर ये हो सकता है गुरु केतु, गुरु केतु में कोई आपने देखा हो ना कोई रिलीजन से रिलेटेड, कोई धार्मिक स्थान से संबंधित कोई मंत्र वाला, किसी तरीके के मंत्र वाला होता है, तो वो सब वहां पर हो सकते हैं, धर्म संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। या अब क्या है ना, गुरु ना फल है, गुरु के केस में फल, तो फ्रूट वाले जितने केयरिंग होंगे उसमें भी खासकर केला, बनाना, ये आपका प्योर जुपिटर का फल होता है, तो ये वाले केयरिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से शनि केतु, शुक्र केतु, शुक्र केतु, अब शुक्र केतु बड़ा, शुक्र केतु के अंतर्गत क्या होगा, वो जो आप दिल वाला केरिंग लेकर आते हैं हार्ट वाला, वो शुक्र केतु में बन सकता है, फ्लावर वाला, गुलाब का फूल वाला इस तरीके की भी आते हैं केरिंग, तो वो आपका शुक्र केतु में आ सकता है। इसमें क्या होगा, कार वाला, कुछ लोग कार वाला बाइक, मतलब व्हीकल आता है ना शुक्र, व्हीकल का कारक है, कार, बाइक, साइकिल, साइकिल वाले भी आते हैं, क्योंकि साइकिल बनी होती है वो केरिंग में, इस तरीके का केरिंग साइकिल वाला, तो ये सब यूज कर सकते हैं। या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्रीम पाउडर का कोई इस तरीके के डिब्बा बने होते हैं छोटे छोटे से, उससे रिलेटेड कोई हो सकता है,
ये कोई देवी की फोटो वाला भी हो सकता है, शुक्र में देवी और माता लक्ष्मी से संबंधित, कोई पैसे वाला भी हो सकता है। मतलब आपने देखो कोई नकली नोट की एक वो आते हैं छोटा सा इतने से उसमें कि नकली नोट होते हैं, मतलब नोट की छोटी सी होती है ना, या कोई प्लास्टिक में भी होते हैं वो नोट बना होते हैं 500 का नोट, 1000 का नोट, इससे 2000 का नोट, ऐसे करके भी केरिंग आते हैं, तो वो कौन से हैं? वो शुक्र केतु कॉम्बिनेशन आपका, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। शुक्र के इसमें फीमेल्स भी आते हैं, तो लव बताया, फीमेल्स बताया, आपका पत्नी भी बताया, तो पत्नी का फोटो लगा हुआ हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, फीमेल्स वाला भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करके आप उसकी एनर्जी को आप बैलेंस करके आप उस पार्टनर को भी दे सकते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, देवी के मंदिर में, उसमें फिर ये ध्यान रखना है ना, देवी के मंदिर में चढ़ा रहे तो देवी वाला कुछ ऐसा हो कि वहां पर आप उसको चढ़ा सकें, ठीक है। या शुक्र के केस में ना, शुक्र केतु में गाय वाला भी बन सकता है, अगर कोई गौ माता उसमें बनी हुई हो और उसका किरिंग बना हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फ्लावर वाला हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं फूल बनते हैं, किसी भी तरीके का फ्लावर्स जो होंगे और खासकर उसमें रेड फ्लावर, वो शुक्र केतु में बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़े शनि केतु। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो जहां पर उनके जितने भी केरिंग होते हैं ना उसमें जूते चप्पल लटके रहते हैं, छोटे छोटे जूते चप्पल बड़े प्यारे प्यारे आते हैं उसमें, ठीक है, तो वो शनि केतु होगा। तो शनि केतु में जूते चप्पल वगैरह ये सब हो सकते हैं। शनि केतु में हो सकता है कि कोई इसमें शनि केतु के केस में आइसक्रीम वाला, क्योंकि शनि ना आपकी क्रॉल चीजें आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, कोई छोटी सी चॉकलेट बनी हुई है, चॉकलेट वाला, आइसक्रीम वाला, इस तरीके से शनि केतु है। आप कोई मजदूर वाला भी हो सकता है, कोई लेबर उसमें बना हुआ हो, ऐसे भी आते हैं आजकल, तो वो वाला केयरिंग ना शनि केतु के केस में हो सकता है। इसी में आप कलर को भी देख सकते हैं, हर एक प्लैनेट का अपना कलर है, तो उस कलर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इस तरीके से आप ना, आपने ये चंद्र मतलब ये एनर्जी को आपने आज देख लिया यूटिलाइज, आप इसको इनको किरिंग के फॉर्म में करके इसको किसी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, इसको आप जिस हाउस में जो रिश्ता आता है उसको दे सकते हैं, जो ग्रह है भाई सूर्य है तो पिता को, इस तरीके से आप शनि है तो उसमें हो सकता है लेबर को भी, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप इन ग्रहों की ऊर्जा को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे वो एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, कष्ट दे रही थी, वो कष्ट नहीं देगी। और होता क्या है कि अगर आप सोच रहे हो किसी दूसरे को अगर आप दे भी रहे हो ना, तो उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि आप किसको दे रहे हो, आप उसी बंदे को दे रहे हो, ठीक है, उस पर्सन को दे रहे हो जो एक्चुअल में उस एनर्जी को इजिली हैंडल कर सकता है बेसिकली, ठीक है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा तो यही है कि उस ग्रह संबंधित देवी देवताओं को दे दो, तुम वहां पे कर दो, और वहां पर फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना कि आपको आप चढ़ा के रहे, मतलब उसमें जो आपने यूज किया है तो वो जो जो, जो, जो पार्ट यूज किया है उसमें, तो वो ध्यान रखना है। अगर मतलब सूर्य केतु है तो सूर्य केतु में सूर्य वाला बना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भगवान श्री राम की फोटो बनी तो बहुत अच्छा रहेगा वहां पर मंदिर में। आप उसमें आप कुछ ऐसी चीजें यूज कर लो, बनती है लेकिन उसमें ऐसी चीज यूज करके ऐसे धार्मिक स्थान पर नहीं दे सकते, तो उस उन बातों का आपको विशिष्ट विचार करना चाहिए। तो आप ये रेमेडी को यूज करके अपने चार्ट में उस एनर्जी को अपने लिए वहां पर उसको हैंडल कर सकते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।